今天这个是老四给我炖的。Most unusual foods that only exist in Asia. दोस्तों जितनी उटपटांग की चीजें हम एशियन लोग खाते हैं ना उतनी शायद ही पूरी दुनिया में खाई जाती होंगी, क्योंकि चाइना में खाए जाने वाले नूडल्स और भारत में खाए जाने वाले दाल चावल के अलावा भी एशिया बहुत बड़ा है, जिसमें एक से बढ़कर एक अजीब और गरीब चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में सुनकर ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपको एशिया की सबसे अतरंगी खाने वाली चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें से कुछ को देखकर तो आपका एक हफ्ते तक कुछ खाने का ही मन नहीं करेगा, और लास्ट में एशिया में खाई जाने वाली एक ऐसी चीज के बारे में हम आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। रॉ हॉर्स मीट। आप लोगों ने बहुत से अलग अलग जानवरों को खाने के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी किसी ने घोड़े का मीट खाने के बारे में नहीं सोचा होगा। पर दोस्तों एशिया वाले वो भी सोच लेते हैं, जिन्हें सोच पाना किसी के बस की बात नहीं होती। तभी तो यहाँ ना केवल घोड़े का मीट खाया जाता है, बल्कि उसे डेलिकेसी के तौर पर भी परोसा जाता है। और सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली बात तो ये है कि एशिया के कुछ इलाकों में लोग ना केवल घोड़े के मीट को खाते हैं, बल्कि उसको कच्चा चबा जाते हैं। जापान में तो इस डिश को बशाई के तौर पर जाना जाता है, और कोरिया के लोग इसे युकुई कहते हैं। अब भले ही घोड़े का मीट सेहत के लिए बढ़िया हो, लेकिन फिर भी हमें इसे खाने की सलाह बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। घोड़ा कोई ऐसा जानवर नहीं जिसे मारकर खाया जाए, इसे तो पालने में लोगों के लाले लग जाते हैं। अब आप सोच लीजिए मारकर खाना कितना ज्यादा मुश्किल और महंगा होता होगा। डीप फ्राइड पिजन। दोस्तों कबूतर एक और ऐसा जानवर है जिसे खाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, लोग इसको पालते जरूर हैं, लेकिन खाने के लिए नहीं, क्योंकि ये बर्ड स्वाद में ज्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन चाइना के शंघाई में स्वाद और बेस्वाद जैसी कोई चीज ही नहीं होती। ये लोग तो पूरे के पूरे कबूतर को निकालते हैं और उसे डीप फ्राई करते हैं, जैसे अधिकतर बार और रेस्टोरेंट वगैरह में टूरिस्ट को बियर के साथ दिया जाता है। और जिन लोगों ने कबूतर को खाया है उनका ये कहना है कि इसका स्वाद किसी एक चीज की तरह नहीं लगता। मतलब अब आप समझ जाइए, इस बेस्वाद से कबूतर को भी चाइना के लोग ऐसे खाते हैं जैसे कोई बहुत ही लाजवाब चीज हो। डॉग सूप। जी हाँ दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन कुत्तों को हम अपना दोस्त समझते हैं, जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं, उन्हीं कुत्तों को एशिया के कई सारे देशों में सूप के साथ हजम कर लिया जाता है। और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है, बल्कि कोरिया से लेकर चाइना और जापान तक लगभग कई सारे एशियन देशों में इसे रेगुलर बेसिस पर खाया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हम और आप छोला पूरी और समोसा दबा कर खाते हैं, वैसे ये लोग कुत्तों का सूप बनाकर पीते हैं। और जब इन लोगों से ऐसा करने के कारण को पूछा गया तो उनका जवाब होता है स्वाद में उतना ही अच्छा होता है। उनके साथ साथ कुत्तों के सूप को पीने से उनके शरीर की शक्ति बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, और एनर्जी भी इंक्रीज होती है। अब इन लोगों को कौन बताए कि ये सारी चीजें तो फल और सब्जियां खाने से भी होती हैं, लेकिन इन्हें तो कुत्तों को मार कर खाना है भैया, तो आप भला कोई कर ही क्या सकता है। वैसे कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, तो आप कुत्ते का सूप पीना पसंद करेंगे या फिर इससे दूर ही रहना पसंद करेंगे? जब आप कमेंट सेक्शन में आकर देना। वर्जिन बॉय एग्स। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर तो पक्का आपको उल्टी आ जाएगी, क्योंकि ये अंडे दुनिया के सबसे डिस्गस्टिंग अंडे हैं। जहां चाइना के डॉग यांग रीजन में खाना बनाने वाले बावर्ची स्कूल के टॉयलेट से बच्चों के पेशाब इकट्ठा करते हैं, बॉयज टॉयलेट से इकट्ठा किए गए पेशाब को बकेट में भरते हैं, जिसके बाद उसी पेशाब में ये लोग अंडे उबालते हैं। इनका कहना है कि नाबालिग लड़कियों के पेशाब में उबले हुए अंडे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब आपका तो नहीं पता, इसके बारे में सोच के हमारा तो मन खराब हो जाता है भाई, भला कोई पेशाब में उबले हुए अंडे कैसे खा सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने कहा, एशिया के लोग सिरफिरे होते हैं, और सबसे ज्यादा सिरफिरापन होता है चाइना के लोगों के अंदर, जो सेहत के नाम पर कुछ भी खा सकते हैं भाई, मतलब कुछ भी। कल को अगर चाइना के लोग जमीन पर गिरा हुआ कचरा खाना भी शुरू कर दें तो हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वो लोग उस पर भी सेहतमंद का लेबल लगाकर हजम कर जाएंगे भाई। डीप फ्राइड टैरेंटुला। दोस्तों स्पाइडर को केवल लोग फिल्मों में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि असल जिंदगी में तो स्पाइडर को देखकर ही लोगों की हवा टाइट हो जाती है। पर हमारे एशिया में रहने वाले लोगों को स्पाइडर और पनीर में कोई फर्क नजर नहीं आता, तभी तो कंबोडिया में रहने वाले लोगों ने इसको खाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, फ्राई किया हुआ स्पाइडर यहाँ की लोकल डेलिकेसी है। हाँ वो बात अलग है, जब से खाना शुरू किया गया था तो उसका मकसद केवल जिंदा रहना था, क्योंकि उस वक्त यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए ज्यादा चीजें नहीं थी। लेकिन अब तो इनके पास हर एक चीज मौजूद है, फिर भी ये लोग स्पाइडर खाना नहीं छोड़ते, उल्टा उसमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जो कोई भी बाहर से आता है उसे ये लोग अपना डीप फ्राइड स्पाइडर खिलाना नहीं भूलते। लाइव ऑक्टोपस टेंटिकल्स। दोस्तों सनाक जी के तौर पर मशहूर ये कोरियन डिश वाकई में किसी राक्षस ने ईजाद की होगी, या फिर पक्का कोरियन लोगों को लगा होगा कि पका हुआ खाना थोड़ा बोरिंग है, चलो क्यों ना जानवरों को कच्चा चबाना शुरू कर दिया जाए। तभी तो उन्होंने ऑक्टोपस के छोटे छोटे टुकड़े करके
उसे ऐसे ही खाना शुरू कर दिया। अब आप सोच लीजिए, जिस ऑक्टोपस को देखकर ही दिमाग चकराने लग जाता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, कहीं ये जानवर हमें जिंदा ना चबा जाए, उसी ऑक्टोपस को ये लोग जिंदा हजम कर जाते हैं। बस इन्हें साथ में थोड़ी सी सॉस दे दें, जिसमें डुबाकर ये ऑक्टोपस को ऐसे खाते हैं जैसे कि उससे स्वादिष्ट चीज इस दुनिया में मौजूद ही ना हो। स्नेक सूप। जी हम उसी सांप की बात कर रहे हैं जिसका नाम सुनकर आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, और अगर किसी को छोटा सा भी सांप दिख जाए ना तो डर के मारे उसकी पतलून गीली हो जाती है। लेकिन चाइना में उल्टी गंगा बहती है, वहाँ के लोग सांपों से नहीं डरते बल्कि सांपों को चाइना से डरना पड़ता है, क्योंकि चाइना में रहने वाले अधिकतर लोग सांप से बने सूप को कुछ ज्यादा ही खाना पसंद करते हैं। पहले जहाँ पर सांप की चमड़ी उतार दी जाती है और फिर उसे उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, जिसमें सांप रेंगता रहता है। ये उसी रेंगते हुए सांप को उठाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सब्जी वगैरह में डालकर सूप तैयार कर लेते हैं। एक सूप तो ऐसा है जिसमें 5 अलग अलग तरह के सांपों को डाला जाता है, और वो सूप सबसे ज्यादा महंगा मिलता है भाई। फिश स्पर्म। नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये इंसानों के खाने लायक चीज नहीं है, लेकिन एशिया के कुछ लोगों में इसको खाने को लेकर बड़ा दिल ललचाता है। नहीं नहीं नहीं, वो इंसान ही भाई, कोई मछली का स्पर्म कैसे खा सकता है। पर जापान में खास तौर पर लोग इसे खाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे क्रीमी डिश में से एक है, जिसे अलग अलग तरह से पकाया जाता है और अलग अलग तरह से खाया जाता है। पर हमारा सवाल ये है कि भाई इसे खाना ही क्यों है, जब खाने के लिए इतने बेहतरीन और लाजवाब चीजें मौजूद हैं जिसे दिल खोल कर खाया जा सके। तो इस तरह की उलझुल चीजें खाकर अपना मुंह गंदा करने की क्या जरूरत है। पर अब लोगों को कौन बताए कि वो तो अपनी जीभ के आगे इतना मजबूर हो जाते हैं कि कुछ भी खा सकते हैं। बैट्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमने चमगादड़ की बात की है। नॉर्थ स्वेल्स में रहने वाले लोगों को फ्रूट बैट्स खाना वाकई बहुत पसंद है, जहाँ पहले चमगादड़ के ऊपर वाले सारे बाल निकाल दिए जाते हैं और फिर उसे नारियल के तेल के साथ पकाया जाता है, साथ ही में मसाले वगैरह भी डाल दिए जाते हैं। और थोड़ी देर में उनकी मनपसंद चीज बनकर तैयार हो जाती है, जो खाने में चाहे जैसी हो लेकिन सेहत के मामले में बिल्कुल भी सही नहीं होती। कई सारे एक्सपर्ट्स ने खुद ही कहा है कि चमगादड़ के अंदर तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी जीभ के आगे मजबूर हैं और इस तरह की चीजें खाने से बाज नहीं आते। और लोगों की इस तरह की चीजें खाने की आदत के कारण ही दुनिया भर को महामारी से गुजरना पड़ रहा है, जिसका कहर आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा भाई। ब्लड सूप। सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगा होगा, पर दोस्तों वियतनाम, चाइना सहित बाकी साउथ ईस्टर्न देशों में खून से बना हुआ सूप पिया जाता है, जिसे लोग बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी कहते हैं। पर यहाँ केवल सूप पीने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जानवरों की उन चीजों के साथ भी उनको खाया जाता है जिसे आमतौर पर आप खाने के बारे में नहीं सोच सकते, जिसमें सबसे पहला नाम तो हड्डी का आता है। अब हमें नहीं पता कि लोग इसे कैसे खाते हैं, लेकिन सच में इस तरह की चीजें आपको बीमार नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बीमार कर सकती हैं। इसलिए इस तरह की चीजों से दूरी रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर रोज ही शानदार वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।